खबर ग्वालियर से है, जहां गोला का मंदिर इलाके में सोमवार दोपहर 2:49 पर प्रोफेसर डॉक्टर शिशिर दीक्षित के घर डकैती हो गई। शिशिर MITS कॉलेज गए हुए थे। घर में उनकी बुजुर्ग माँ, पत्नी और बेटी मौजूद थी। दो बाइकों से पहुंचे 6 हथियारबंद डकैत घर में घुस गए। प्रोफेसर की पत्नी श्वेता दीक्षित का कहना है कि वे 20 मिनट तक रहे। प्रोफेसर की बेटी शिवांगी का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से भी कोई हमारे घर में घुस आएगा और वारदात को अंजाम देगा। वो किसी ब्रीफ केस के बारे में पूछ रहे थे। जब वे गेट पर आए थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके मन में क्या चल रहा है। पहले मैंने ही गेट खोला था, फिर मम्मी को बुलाया था। उसी समय समझ जाना चाहिए था, पापा बिना फोन किए किसी को घर पर नहीं भेजते हैं। यहाँ हमसे चूक हो गई। प्रोफेसर के घर वारदात करने वाले बदमाशों को सटीक सूचना मिली थी कि प्रोफेसर की 3 पीढ़ियों की पूरी ज्वेलरी अभी भी घर पर है। प्रोफेसर ने 15 दिन पहले ही एक बैंक में लॉकर बंद किया है। वहां से पूरी पुश्तैनी ज्वेलरी निकाल कर वह घर ले आए थे। घर में कोई नौकर नहीं है, लेकिन सब्जी और दूध वाले का आना जाना है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि घर पर जेवर रखे होने का किस किस को पता था। पुलिस ने डकैती की वारदात के बाद ताबड़तोड़ CCTV कैमरे खंगाले हैं। प्रोफेसर के घर पर लगे कैमरे में बदमाशों के चेहरे कैद हुए हैं। उसके साथ ही बिरला नगर पुल पर सिमको तिराहा की तरफ बदमाश बाइक से भागते दिख रहे हैं। यह साफ है कि डकैती डालने वाले बदमाश हजीरा की तरफ भागे हैं। बदमाशों के तार मुरैना से भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल इसी लाइन पर पुलिस छानबीन कर रही है। और सीधे वो छोटे ड्राइंग रूम में आ गए और मेरे ऊपर बंदूक गड़ा दी। कितने लोग थे? दो लोग थे। और फिर उसके बाद ये इनने जब पूरा कंट्रोल अंदर कर लिया तो दो लोग और अंदर आए और दो घर के बाहर खड़े थे। कोई मारपीट भी की आपके साथ? हाँ, बेटी को मारा और मदर लॉ को मारा। मेरे बाल खींचे। उनके पास 3 हथियार थे और एक ने बिल्कुल कट्टा लोडिंग करके खड़ा था।